हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? एंड मैं आज बनाने जा रही हूँ सिंपल बैंगन की सब्जी। तो देखिए, ये है आलू, बैंगन, लहसुन, मिर्च एंड प्याज है। तो इसमें मैं डालूँगी सरसों। ये सरसों मैं सरसों डालूंगी एंड थोड़ा सा धनिया, क्योंकि धनिया जलने के बाद मुंह में अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। एंड मैं लहसुन मिर्चा सब डाल चुकी हूँ एंड हल्का सा मैं प्याज डालूंगी। ये लाल थोड़ा हो जाएगा तो मैं आलू डाल दूंगी। एंड मैं बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, ज़्यादा कोई मिर्च मसाला मैं नहीं डालती सिंपल बैंगन की सब्जी में। वैसे रात का डिनर के लिए ये सिंपल बैंगन आलू की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं आलू डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे आलू डाल चुकी हूँ एंड मैं इसमें नमक ऐड कर दी हूँ। तो ये हल्का सा पक जाएगा, इसके बाद मैं बैगन मिक्स करूँगी एंड इसमें मैं चना भी डालूँगी। हल्दी को ऐड कर दूंगी मैं। यहाँ पे मेरी आलू 50% भुन चुकी है तो मैं अब इसमें बैंगन डाल दूँगी। तो मेरी सब्जी आधा से अधिक भुन चुकी है और मैं डालूंगी ये चना एंड टमाटर। दोनों को मैं ऐड करके सारा मसाला को मिक्स कर दूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर एंड एकदम थोड़ा सा सरसों का पाउडर, एकदम थोड़ा सा। मैं एक्चुअली ये सारा पाउडर घर में तैयार कर ही लेती हूँ खुद ही, तो एकदम थोड़ा थोड़ा ताकि टेस्टी भी बने एंड पेट के लिए अच्छा भी रहे। ये देखिए सरसों का एकदम जरा सा, देखो कड़वा होता है सरसों का पाउडर। एंड गोलकी का पाउडर मैं एकदम थोड़ा सा डालती हूँ, नहीं तो तीखा हो जाने के बाद अच्छा भी नहीं लगता है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तो ये देखिए लाजवाब बैंगन आलू एंड हल्का सा चना मिक्स करने के बाद बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग भी बनाइए एंड खाइए। तो 4-5 मिनट के बाद हल्का आंच में तो मैं पकने दूंगी एंड ये रेडी। तो मैं बीच बीच में इसको चेक करते रहूंगी एंड इसमें आप अगर पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सूखे भी रोटी के साथ एंड चावल दाल के साथ अच्छा लगेगा। तो ये रेडी हो चुका है बैंगन आलू चना एंड टमाटर की सब्जी। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।